गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन बी ए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर यूनिट फोर्थ शॉर्ट स्टोरी लाइफ ऑफ एंटोन चैखो क्वेश्चन डिस्कस एंटोन चेखो एज ए राइटर एंटोन चेखो की एक लेखक के रूप में व्याख्या कीजिए आंसर एंटोन चेखो व रशियन ऑथर एंटोनियेखो एक रूस के लेखक थे हु लिव्ड बिटवीन एटीन सिक्सटी एंड नाइनटीन जीरो फोर जो अट्ठारह सौ साठ से उन्नीस सौ चार के बीच में थे बेस्ट नोन फॉर हिट शार्ट स्टोरीज एंड प्लेज वे अपनी लव कहानियों और नाटकों के लिए अच्छे रूप से जाने जाते हैं एंटोन चेखो आल्सो वर्ल्ड एज ए फिजिशियन एंटोन चेखो ने एक डॉक्टर के रूप में कार्य किया हिज जॉब एज ए डॉक्टर डिड नॉट वेल उनका डॉक्टर के रूप में कार्य अच्छी आमदनी नहीं प्रदान कर सका so सो चेक हो डिड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स फॉर मनी इसलिए एंटोन चैक हो ने पैसे के लिए कई भिन्न भिन्न कार्य किए इंक्लूडिंग राइटिंग जिसमें कि लेखन भी समाहित था ही स्टार्टेड राइटिंग ओरिजिनली टू सपोर्ट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली यद्यप उन्होंने लेखन खुद का मदद करने और परिवार की सहायता करने के लिए शुरू किया एंटोन चेखोटली एंटोन चैखो ने लेखन ज्यादा गंभीरता से घटना के रूप में लिया स्पेशली आफ्टर द फेमस रशियन राइटर डिमिट्री गिरोच, विशेष रूप से रूस के लेखक डिमिटरी ग्रीग्रोविच के बाद रोड टू हिम जिन्होंने उनके बारे में लिखा एंड टोल्ड हिम और बताया ही हैड द लाट ऑफ टैलेंट कि उनके पास लेखन की अधिक बुद्धिमत्ता है एंड शुड फोकस ऑन द लिटरेरी क्वालिटी ऑफ ही राइटिंग और उनको अपने लेखन के साहित्यिक गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए एंटोन चेखो आज वन ऑफ दर्स्ट ऑथर एंटोन चेखो एक प्रथम लेखक थे टू यूज सर्टन लिटरेरी टेक्निक जिन्होंने कुछ निश्चित साहित्यिक तकनीक का प्रयोग किया सच एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस जैसे कि चैतन्यता की धारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस ए टेक्निक लेटर पॉपुलाइज ऐसी तकनीक जो बाद में प्रिय बनी बाई जेम्स जॉयस के द्वारा बनाई गई एंड विलियम फाकनर के द्वारा ही बिलीव टू विश्वास करते थे दैट इट वॉज द ऑफ ए राइटर कि यह एक लेखक का कार्य है टू राइज क्वेश्चन इन रीडर्स माइंड कि पाठक के विचारों में पाठक के दिमाग में क्वेश्चन को उत्पन्न करें एंड सम ऑफ शार्ट स्टोरीज और उनकी कुछ लक कहानियाँ हैव ओपन एंडिंग्स उनकी खुली शुरुआत रखती हैं और उनकी कुछ कहानियाँ कुछ खुली शुरुआत रखती हैं इवन इफ यद्यप यू हैव नेवर रेड एनी ऑफ एंटोन चेखो यदि आपने एंटोन चेखो की कि किसी भी कहानी को नहीं पढ़ा प्लेज आर स्टोरीज नाटकों या कहानियों को यू मे स्टिल बी फेमिलियर विद दी आइडिया ऑफ चेखोज गन तो तुम चेखो के गन नामक विचारों से परिचित हो ए फोर साइड टेक्निक जो कि एक पूर्व छाया तकनीक है दैट स्टेट जो बताती है दैट इफ ए गन इज़ पुट इन टू द्ले कि यदि किसी नाटक में या कहानी में बंदूक रखी गई इन वन एक्ट एक उसके एक अंक में देन इट नीड्स टू बी फायर्ड लेटर तो आवश्यक है कि बाद में इसको फायर किया जाए द आइडिया बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चय खोज गन चे के गन के बीच में जो उनका विचार है इज दैट ये है कि एवरी थिंग पुट इन एन टू ए प्ले नाटक में आर स्टोरी या कहानी में रखी जाने वाली प्रत्येक चीज़ शुड बी रिवलेंट उससे संबंधित होनी चाहिए एंटोन चेखो रूट नेटिव लैंग्वेज एंटोन चेखो अपनी मातृभाषा में लिखते थे रशियन में एंड वाज ट्रांसलेटेड बाय कांस्टेंस क्लियर ग्रेनेट और उसका बाद और उसका बाद में अनुवाद कांस्टेंस क्लियर ग्रेनेट के द्वारा किया गया कांस्टेंस ट्रांसलेटेड सबरल अदर रशियन आथर्स कांस्टेंस ने कुछ अन्य कई लेखकों का अनुवाद किया जेम्स वॉज हैवली इन्फ्लुंस बाई चेखोज राइटिंग और जेम्स जॉयस विशेष रूप से उनके लेखन से प्रभावित थे हिज यूज ऑफ स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिस से उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रयोग किया प्लेज एंटोनचे रोड फोर्टीन प्लेज एंटोन चेखो ने चौदह नाटक लिखे बट आर हिज मोस्ट क्रिटिकल क्लेम्ड लेकिन नीचे लिखे चार नाटक विशेष रूप से आलोचनात्मक दावा प्रदान करते हैं दीगल इन प्ले इस नाटक में बीच इज वन ऑफ एंटोन चेखो मोस्ट फेमस जो एंटोन चेखो का ज़्यादा प्रसिद्ध स्ट्रिंगलिंग राइटर एक संघर्षरत लेखक का है लफ्स एन एक्ट्रेस वो एक ऐसी नायिका को प्यार करते हैं डज नॉट रिटर्न हिज फीलिंग्स जो उनकी भावनाओं को वापस नहीं करती प्ले इज हाईली सिम्बोलिक यह नाटक उच्च कोट से प्रतीकात्मक है एंड हैज ए लाट ऑफ सबटेक्स्ट और इसमें कुछ उपकथानक भी हैं इन प्ले इस नाटक में द राइटर शॉर्ट्स ए सीगल लेखक एक सीगल को शॉर्ट करता है कैन बी सीन एज ए सिम्बल ऑफ फॉर दी जो कि एक एक्ट्रेस के प्रतीक के रूप में देखी जा सकती है ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम जो उनकी स्वतंत्रता की सपने के रूप में है अंकिल वायना अंकिल वायना फीचर्स एन ओल्ड प्रोफेसर अंकिल वायना एक वृद्ध प्रोफेसर के गुणों को अविलक्षणित करती है एंड हिज यंगर सेकंड वाइफ और उनकी दूसरी युवा पत्नी के लिए हु विजिट दियर रूरल स्टेट जो उनके ग्रामीण क्षेत्र को देखती है इवन दो यद्यप दी स्टेट सपोर्ट सेबरल डिफरेंट पीपुल ये नगर कई लोगों को सपोर्ट करता है कई भिन्न भिन्न लोगों को सपोर्ट करता है इंक्लूडिंग हिज फर्स्ट वाइफ ब्रादर इसमें कि उनकी पहली पत्नी के भाई द प्रोफेसर अनाउंसेज दैट प्रोफेसर ये घोषणा करता है कि ही प्लान्स टू सेल स्टेट वो अपनी इस जागीर को बेचने का है योजना बनाता है सिंपली साधारण रूप से सो ही कैन टेक दी मनी जिससे कि वो पैसा ले सके एंड इन्वेस्ट इट फॉर हिज ओन पर्सनल गेन और इसको निजी लाभ के लिए उपयोग कर सके द प्ले डील्स विद थीम्स और ये नाटक इस आरान से संबंधित है आप अनहैप्पीनेस एंड फ्रस्टेशन उनकी नाराजगी से और निराशा से यह नाटक संबंधित है थ्री सिस्टर्स तीन महीने थ्री सिस्टर्स बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ ब्रोनट सिस्टर थ्री सिस्टर्स ब्रोनट बहनों के जीवन पर आधारित है ब्रोनट सिस्टर्स सर्च तीन बहनों की खोज पर आधारित यह थ्री सिस्टर्स नामक स्टोरी है इट फॉलोज थ्री सिस्टर्स इसमें तीन बहनें अनुसरण करती हैं सर्च ऑफ मीनिंग इन देयर लाइफ्स जो अपने जीवन के अर्थ की खोज करती हैं डिस्पाइड बींग स्टक इन ए रूरल सेटिंग इसके बावजूद ये एक ग्रामीण क्षेत्र में स्टक हो जाती हैं फंस जाती हैं लाइक द सीगल सीगल की तरह समुद्र कन्याओं की तरह दिस प्ले डील्स ये नाटक बताता है विद्य थीम्स ऑफ डिस्पॉन्डेंसी एंड फ्रस्ट्रेशन निराशा के भाव को व्यक्त करता है दी चेरी आर्चार्ड चेरी आर्चार्ड इज एंटोन चेखो लास्ट प्ले चेरी आर्चार्ड एंटोन चेखो का अंतिम नाटक है ही वॉन्टेड इट टू बी कॉमेडी वो इसे कॉमेडी के रूप में लिखना चाहते थे बट द डायरेक्टर मेड इट इनटू टेडी लेकिन डायरेक्टर ने इसको दुखांत में बदल दिया दी प्ले इज अबाउट ओकेशन ऑफ रिच फैमिली स्टेट यह नाटक एक धनी परिवार की जागीर की नीलामी के बारे में है टूपे ऑफ अडेप्ट जो अपने ऋण को चुकाने के लिए करता है प्ले यह नाटक लाइक like मच ऑफ चेखो वर्क चेको के कई कार्यों की तरह एक्सप्लोर्स द करेक्टर उस चरित्र की व्याख्या करता है सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग एंड मीनिंग ऑफ लाइफ जो कि सामाजिक आर्थिक स्टैंडिंग में एंड मीनिंग ऑफ लाइफ और जीवन के अर्थ को व्यक्त करता है शॉर्ट स्टोरीज एंटोन चेखो रोड ओवर टू हंड्रेड शार्ट स्टोरी चेक हो एंटोन चेखो ने लगभग दो सौ कहानियों के ऊपर लिखा दी एग्जैक्ट नंबर इज न अननोन इसका सही संख्या ज्ञात है विकास क्योंकि ही रोड एक्सटेंसिवली टू सपोर्ट हिज फैमिली क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से अपने परिवार की मदद करने के लिए लिखा था एंड हिमसेल्फ और खुद एंड नॉट एवरी थिंग और हर चीज़ नहीं ही है ही है रिटर्न जो उन्होंने लिखा हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश उसका हर चीज़ का अनुवाद अंग्रेजी में नहीं किया गया ये फ्रांस ये रशियन भाषा में लिखी गई कहानियाँ हैं द लेडी विद द डाक वन ऑफ चेखो मोस्ट फेमस सर्ट स्टोरी लेडी विद द डाक एंटोन चेखो की सबसे प्रिय लव कहानियों में से एक है द लेडी विद द डाक इज सर्ट स्टोरी अबाउट अफेयर बिटवीन मैन एंड वुमेन लेडी विद द डाक ये नर और नारी के बीच के संबंधों के बारे में कहानी है द स्टोरी लिव्स द रीडर विदाउट एनी आंसर यह कहानी पाठक को बिना किसी उत्तर के छोड़ देती है अबाउट हदर आर नाट द अफेयर out आउट इन long रन कि क्या उन दोनों लंबे के लंबे समांतराल के बीच में ये कार्य करता है या नहीं कार्य करता बट लेकिन इट निबर्दल कंसिडर्ड बाई सम्रिटिक्स लेकिन कुछ आलोचकों के द्वारा ये कभी नहीं विचार किया जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरी इवन में रिटर्न और ये उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक सुंदर कहानी है जो कभी लिखी गई थी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए धन्यवाद यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें जिससे कि सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद